हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर जब हम लोग कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपने कई बार वर्डिंग सुनी होगी कि गेट कट ऑफ या फिर गेट ओपनिंग टाइमिंग, तो वो कौन सा गेट का कट ऑफ टाइमिंग होता है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और टर्मिनल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कई बार आपने देखा होगा कि सीएचए आपसे पूछ लेता होगा कि आप लाइन से पता करके बताइए, मतलब शिपिंग लाइन से पता करके बताइए कि ये कौन से टर्मिनल पे कंटेनर आ रहा है, ठीक है, उसका गेट कट ऑफ और गेट टाइमिंग मेरे को बता दीजिए। तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप कंपनी में जब काम करते हैं तो वर्डिंग्स आपको सुनाई दे, लेकिन एक्चुअली में आपको ये पता नहीं होता ये कौन सी चीज के लिए ये बात हो रही है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा और ऐसे ही टॉपिक आपके लिए आगे लाता रहूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अब तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया, डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स मेरे से डायरेक्टली ले सकते हैं, और सारा कुछ आपको उस पर डॉक्यूमेंटेशन आपको सीखने को मिल जाएगा, इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी। तो बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है, जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए आप, बेझिझक आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए और सारा जो भी इसके अंदर कोर्स के अंदर सारे चीज आपको व्हाट्सएप पे और कॉलिंग पे आपको बता दिया जाएगा। तो चलते हम लोग टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है कि गेट कट ऑफ और गेट ओपनिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ये जो गेट कट ऑफ और गेट ओपनिंग टाइमिंग है ये किस चीज का है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारी शिपमेंट, मैं नवाशेवा से एग्जांपल के लिए नवाशेवा ले ले रहा हूँ, मान लीजिए हमारा जो ये कंटेनर है हमारी बुकिंग में लिखा हुआ है नवाशेवा, ठीक है, पोर्ट ऑफ लोडिंग हमारा नवाशेवा है, पोर्ट ऑफ लोडिंग नवाशेवा, ठीक है, ऊपर भी लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट तो हमारा ये है, ठीक है, एक तरीके से ये हमारा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक तरीके से ये हमारा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये सर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको वर्डिंग्स समझा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन जबकि ये सी पोर्ट होता है, ठीक है, ये सर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो नवाशिवा क्या है, हमारा एक स्टेशन है, ठीक है, लेकिन इसके और पास मतलब यहाँ पे ये टर्मिनल है, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन पे कई सारे स्टेशन होते हैं, इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ट्रेन आती है, कोई इस पे आती है, कोई इस पे आती है, कोई इस पे आती है, कोई इस वाले प्लेटफॉर्म पे आती है। तो इसी तरीके से जो नवाशिवा पोर्ट है यहाँ पे भी कई सारे टर्मिनल हैं, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। तो जो हम लोग कंटेनर गेट इन करते हैं वो हम लोग करते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। अब हमारा जो वेसल है, ठीक है, कई बार आपने सीएचए जैसे आपसे पूछता होगा कि आप लाइन से शिपिंग लाइन से पता करके बताइए कौन से टर्मिनल पे वेसल आ रहा है, ठीक है। तो सीएचए उसी पोर्ट पे जो मतलब उसी टर्मिनल पे कंटेनर गेट इन कराता है, ठीक है। तो जो टाइमिंग होता है वो इस वाले टर्मिनल का होता है, ये जो टर्मिनल है ना, ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से, तो इनका जो टाइमिंग होता है ये इसका होता है, गेट कट ऑफ टाइमिंग और गेट ओपनिंग टाइमिंग। अब मैं ये भी बता देता हूँ गेट कट ऑफ और गेट ओपनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा कंटेनर जा रहा है 30 तारीख को, ठीक है, 30/6/24 हमारा कंटेनर 30/6 को जा रहा है, तो इसका जो गेट ओपनिंग है इस वाले टर्मिनल का गेट ओपन, मान लीजिए इस वाले हमारे टर्मिनल पे इस पे वेसल आ रहा है, वेसल मीन्स जहाज, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये वेसल हो, कई बार आप समझ नहीं पाते होंगे कि वेसल क्या है, नए नए आप ज्वाइन करते हैं या फिर आप वर्किंग में भी है तो नहीं समझ पाते होंगे, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वेसल होता है हमारा जिसपे कंटेनर हमारे लोड होकर जाते हैं, जो जहाज होता है, पानी वाला जहाज, हिंदी भाषा में बोले पानी वाला जहाज जिसे बोलते हैं, ठीक है, पानी का जहाज, तो इसपे हमारे कंटेनर लोड होकर जाते हैं। तो शिपिंग लाइन से आपको पता करना है कि जो हमारा ये वेसल है कौन से पोर्ट के लिए, मतलब कौन से टर्मिनल के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है, NSIGT, ये अलग अलग टर्मिनल के नाम होते हैं, ठीक है, NSGT, और इसके अलावा और भी यहाँ पे टर्मिनल्स हैं। तो ये आपको शिपिंग लाइन से पता करना है कि हमारा जो ये वेसल है जो हमने बुकिंग ली है ये हमारा कौन से टर्मिनल पे कॉल कर रहा है, कॉल करना मतलब आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको वर्डिंग्स आपको समझ आ गई होगी, कॉल करना मतलब आना, ठीक है। तो आपको ये चीज पता करना, अब इस वाले पोर्ट का मतलब इस वाले टर्मिनल का गेट ओपनिंग क्या है, मतलब गेट ओपनिंग हम लोग कब कंटेनर गेट इन कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट इन का मतलब ये कि जब हम लोग आईसीडी से कंटेनर, सॉरी सी पोर्ट से कंटेनर गेट इन कर रहे हैं, तो आपको ये गेट ओपनिंग वगैरह उनको पूछना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कंटेनर गेट इन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 30 तारीख को आपका कंटेनर आ रहा है और इसका जो गेट ओपनिंग है 3 दिन पहले ओपन हो जाता है, ठीक है। तो 27 का मतलब जरूरी नहीं है कि 3 दिन पहले होगा, कई बार 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। तो आपको
27 तारीख का गेट ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगा। 27 तारीख के बाद आप जो कंटेनर है इस वाले टर्मिनल में बाय ट्रक गेट इन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है गेट ओपनिंग, मतलब आप इस टाइमिंग के बाद, मतलब जो गेट ओपनिंग टाइमिंग है मान लीजिए 30 तारीख का, 27 तारीख का, ठीक है, और जो टाइमिंग है 3 बजे गेट ओपनिंग हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे कंटेनर गेट इन कर सकते हैं फॉर्म 13 लेने के बाद। ठीक है, और गेट कट ऑफ टाइमिंग, कट ऑफ मतलब आप जैसे 30 तारीख है या 29 तारीख को आपका कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ 3 बजे, कट ऑफ मतलब आप कंटेनर इस टाइम के बाद, जो ये डेट दी हुई है 29 तारीख, इस टाइम के बाद आप कंटेनर गेट इन नहीं कर सकते हैं। कट ऑफ मतलब आप इसके बाद आप कंटेनर गेट इन नहीं कर पाएंगे। गेट ओपनिंग मतलब आप कंटेनर गेट इन कर सकते हैं इस टाइम के बाद। ठीक है, तो ये चीज है जिससे आपको कई बार कंफ्यूजन होती है कि गेट कट ऑफ और गेट जो टाइमिंग है, गेट ओपनिंग टाइमिंग है, वो क्या होता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी अगर ऐसा वर्डिंग्स आपको सुनाई देता है तो आपको समझ जाना है कि ये गेट कट ऑफ है वो पोर्ट का है, मतलब टर्मिनल का है, और गेट ओपनिंग मतलब इसके बाद हम कंटेनर जो है गेट इन कर सकते हैं, और गेट कट ऑफ के बाद हम लोग कंटेनर गेट इन नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि ये गेट कट ऑफ और गेट ओपनिंग टाइमिंग क्या होता है। और रही बात जो मैंने अभी वर्डिंग्स यूज करी थी, फॉर्म 13 मतलब जब हम कंटेनर गेट इन करते हैं तो हमें शिपिंग लाइन से ओडेक्स पे रिक्वेस्ट डाल के फॉर्म 13 लेना पड़ता है, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है कंटेनर गेट इन करने के लिए। जब गेट ओपनिंग हो जाएगा तब आपको फॉर्म 13 जो शिपिंग लाइन है वो आपको रिलीज कर देगी। फॉर्म 13 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया होगा या कुछ डाउट रहा होगा तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली जो हम लोग वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे तो उसमें क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।